झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल जमीन घोटाला संबंधी मामले में न्यायिक हिरासत में, वही कुछ संगठनों द्वारा उनकी गिरफ्तारी का विरोध भी किया जा रहा था। राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग अपने नेता हेमंत सोरेन पर केंद्र सरकार के सारे पर केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा कथित रूप से परेशान करने का आरोप लगातार लगाया जाता रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को सरूल पर्व के मौके पर एक ऐसी झांकी निकाली गई जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में दिखाया गया। झांकी में बताने का प्रयास किया गया कि ईडी के द्वारा हेमंत सोरेन को गलत तरीके से फंसाया गया है। हालांकि यह झांकी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा, लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव की रणभेरी के बाद यह मामला आचार संहिता के उल्लंघन का माना जा रहा है। और अब सरहुल के मौके पर शहर में घुमाई गई हेमंत सोरेन से जुड़ी झांकी पर रांची जिला प्रशासन ने संज्ञान ले लिया है। इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। झांकी में सरहुल के मौके पर केंद्र सरना समिति की ओर से निकाली गई झांकी में हेमंत सोरेन को जेल में दिखाया गया। साथ ही नारा लिखा गया कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। झांकी में यह भी दिखाया गया कि झारखंड के विकास के लिए लड़ने वाले हेमंत सोरेन का ईडी और सीबीआई शोषण कर रही है। इस संबंध में झांकी बनाने वाली संस्था केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। रांची के कोतवाली थाना में संस्था के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की समेत 26 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इधर पूरे मामले में बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि सारा खेल सुनियोजित था, प्रशासन के सहयोग के बिना ऐसा नहीं हो सकता था, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि मामले की जांच करना चुनाव आयोग का काम है। देखिए, पूरी तरह से चुनाव आयोग के द्वारा निर्देशित आचार संहिता का उल्लंघन है। और जिन लोगों ने इस प्रकार के कुकृत्य आचार संहिता का उल्लंघन किया है उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और साथ साथ जिन लोगों ने पर्दे के पीछे ये काम करवाया है उसके चेहरे, नापाक चेहरे को जनता के सामने लाने की भी जरूरत है। क्योंकि ये प्रदेश में हमेशा आप देखे होंगे, ये ऐसा प्रदेश है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जब से सरकार बनी है तब से इस प्रदेश में पाकिस्तानी झंडे लहराने का काम हुआ, फिर फिलिस्तानी झंडे लहराने का काम किया। देशद्रोहियों का यह शरण स्थल बन गया है और इसके पीछे यहाँ बैठी हुई सरकार और सरकार के मुलाजिम है। देखिए, एफआईआर अब हो चुका है, अब पुलिस इसकी तफ्तीश करेगी। वैसे सबको पता है कि इस झांकी के पीछे किसके लंबे हाथ थे, इस पे ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं। वही पूरे मामले में जेएमएम ने भी संगठन का समर्थन करते हुए मामले में कहा कि झांकी के माध्यम से झारखंड की जनता अपना आक्रोश दिखा रही है। क्या आप झारखंड की जनता को आक्रोश दिखाने का भी अधिकार नहीं है? यह पूरा मामला जनता की भावनाओं को दर्शाता है, इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से ना जोड़ा जाए। साथ ही उन्होंने तल्ख तेवर में कहा कि चुनाव आयोग क्या कहेगा, वो होता कौन है कहने वाला, क्या आदिवासी अब अपना आक्रोश भी ना दिखाए? वो जवाब ये है कि वो यहाँ के आदिवासियों का आक्रोश है, वो राजनीतिक दल के द्वारा दिया गया कोई वक्तव्य नहीं है। वो स्वाभाविक तौर पर यहाँ के जो करोड़ों मूलवासी है, आदिवासी है, उनका आक्रोश कल सामने आया और उस पर चुनाव आयोग क्या कहेगा? होता कौन है? हम अपना आक्रोश भी व्यक्त ना कर पाए, इसका मतलब तो यही होगा कल जब हम जाएंगे राजनीतिक कार्यक्रम में तो भाषण भी ना दे, मोदी जी को बुरा लगेगा। एक ब्रजभूषण सिंह है, उनको भाजपा ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया, उसको रखा है कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव समाप्त हो जाए, हरियाणा का चुनाव समाप्त हो जाए, तब उस मानसिकता के लोगों का नाम सामने आए और वो घूम रहा है, प्रचार कर रहा है। प्रशासन हुआ, उस पर एफआईआर हुआ है, तो बताइए भाजपा के लोग, प्रशासन तो हमारे हाथ में है नहीं, वो तो चुनाव आयोग के निर्देश पर चल रहा है। आयोग निर्देश दिया है तो किया है, क्या है तो उसका कानूनी पक्ष क्या होगा? वो आदिवासी समाज लड़ेगा? फिलहाल द
द न्यूज पोस्ट के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज पोस्ट।